नमस्कार, देचू चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा राजस्थान के क्षेत्रों पर मौसम। आज 8 सितंबर है। आज बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर एरिया बन चुका है। ये लो प्रेशर एरिया लगभग राजस्थान की तरफ आगे बढ़ने की संभावना है और राजस्थान के क्षेत्रों पर है, जो कि 9 सितंबर से लगाकर 15-16 सितंबर के बीच में कई जिलों पर कहीं हल्की कहीं मध्यम से लगाकर तेज़ बारिश होने की संभावना है और कहीं कहीं मूसलाधार बारिश भी होने की संभावना है। आज ज़्यादातर भागों में उत्तर पूर्वी और पूर्वी हवाएं चलने की संभावना है। लगभग सभी जिलों पर अधिकतम तापमान लगभग 40 डिग्री के आसपास रहेगा और न्यूनतम तापमान है जो कि लगभग 30 से 35 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। कल रात से बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने की संभावना है। 9 सितंबर की रात्रि से कोटा और उदयपुर संभाग के जिलों पर बारिश बढ़ने की संभावना है और 10 सितंबर के दोपहर के बाद में जोधपुर संभाग के दक्षिण जिले हैं, कुछ अजमेर संभाग के जिले हैं और भरतपुर संभाग के जिले हैं, यहाँ पर भी छुटपुट जगहों पर बारिश होने की संभावना है। लेकिन 10 सितंबर को उदयपुर और कोटा संभाग के जिलों पर कहीं कहीं मध्यम खंड बारिश का दौर भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, पाली, जालौर, सिरोही के क्षेत्रों पर अगले 24 घंटों के दौरान ज़्यादातर क्षेत्रों मौसम शुष्क रहेगा 90% और 10% जगहों पर कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। कुछ जोधपुर के क्षेत्र हैं, बाड़मेर के क्षेत्र हैं और कुछ पाली, जालौर, सिरोही के क्षेत्रों पर भी, यानी 10% जगहों पर कहीं कहीं हल्की बौछार देखने को मिल सकती है अगले 24 घंटों के दौरान। लेकिन 10 सितंबर को देखा जाए तो पाली, जालौर, सिरोही, कुछ जोधपुर के क्षेत्र हैं, कुछ बाड़मेर के भागों पर कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। लेकिन 15 सितंबर के आसपास में और 13 सितंबर के आसपास में जोधपुर संभाग के कई इलाकों पर हल्की से लगकर मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। जोधपुर संभाग के जिलों पर भी अगले 24 घंटों के दौरान ज़्यादातर क्षेत्रों में उत्तर पूर्वी हवाएं चलने की संभावना है। कोटा संभाग के जिलों पर भी अगले 24 घंटों के दौरान ज़्यादातर भागों में लगभग मौसम शुष्क रहेगा और 20% जगहों पर कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। यहाँ पर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, दासमंद, भीलवाड़ा सभी क्षेत्रों पर ज़्यादातर लगभग 80% मौसम शुष्क रहेगा। आगामी 24 घंटों के दौरान बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कुछ उदयपुर जिलों पर यहाँ पर देखा जाए तो कहीं कहीं हल्की बौछार या बूंदाबांदी होने की संभावना है। लेकिन 9 सितंबर की रात्रि से इन जिलों पर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने की संभावना है और 10 सितंबर को यहाँ पर देखा जाए तो कहीं कहीं खंड तेज बारिश भी होने की संभावना है। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ के क्षेत्रों पर अगले 24 घंटों के दौरान ज़्यादातर भागों में लगभग बादलों की आवाजाही के बीच में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। कोटा संभाग के जिलों की बात करें तो अगले 24 घंटों के दौरान ज़्यादातर भागों में शुष्क रहेगा। झालावाड़, कोटा, बाराबूंदी सभी जिलों पर बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। लेकिन 10 सितंबर हैं, 9 सितंबर की रात्रि से देखा जाए कोटा संभाग के जिलों पर कहीं कहीं हल्की से लगाकर मध्यम दर्जे की बारिश होगी। लेकिन 10 और 11 सितंबर के आसपास में कहीं कहीं मध्यम खंड तेज बारिश भी कोटा संभाग के जिलों पर देखने को मिलेगी। अजमेर संभाग के जिलों की बात करें तो अजमेर संभाग के जिलों पर भी अगले 24 घंटों के दौरान ज़्यादातर भागों में लगभग 99% मौसम शुष्क रहने की संभावना है। जो नागौर, अजमेर, टोंक, सवाईमाधोपुर, करौली सभी जिलों पर शुष्क रहेगा। लेकिन 10 सितंबर के आसपास में अजमेर, नागौर, टोंक, सवाईमाधोपुर, करौली हैं और छुटपुर जगहों पर नागौर के इलाकों पर भी 10 सितंबर को कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। लेकिन 13 सप्ताह और 15 सितंबर के दायरे में नागौर, अजमेर, टोंक और सवाईमाधोपुर के कई इलाकों पर हल्की से लगाकर मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। जयपुर, भरतपुर संभाग के जिलों की बात करें यहाँ पर भी अगले 24 घंटों के दौरान ज़्यादातर लगभग मौसम 100% शुष्क रहने की संभावना है आगामी 24 घंटों के दौरान। लेकिन 48 घंटों के बाद में मौसम में बदलाव आने की संभावना है। 10 और 11 सितंबर के आसपास में चुरू, झुंझुनू, चिक्कर, जयपुर के आसपास के क्षेत्रों पर कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। लेकिन 13 सितंबर से लगाकर 15 सितंबर के बीच में शुरू के क्षेत्र हैं झुंझुनू, जयपुर, सीकर, दूसरा, अलवर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर सभी जिलों पर कहीं हल्की कहीं मध्यम से लगाकर तेज बारिश होने की संभावना है। और भरतपुर, धौलपुर के क्षेत्र हैं, दूसरा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी अगले 24 घंटों के दौरान लगभग मौसम शुष्क रहने की संभावना है। बीकानेर संभाग के जिलों की बात करें बीकानेर संभाग के जिलों पर भी अगले 24 घंटों के दौरान लगभग 80% मौसम शुष्क रहेगा और 20% जगहों पर कहीं कहीं हल्की से लगाकर मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है, जो कि पिछले 24-36 घंटों के दौरान गंगानगर के पदमपुर के आसपास के क्षेत्रों पर कहीं कहीं हल्की बारिश दर्ज की गई। आज भी देखा जाए तो गंगानगर के कुछ इलाकों पर कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है।
जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है पाकिस्तान के चटवे भाग है, यहाँ पर देखा जाए कहीं कहीं दोपहर के बाद में हल्की बौछारें देखने को मिल सकती हैं। लेकिन गंगानगर के क्षेत्र पर बारिश की गतिविधियों की बात करें तो यहाँ पर देखा जाए खासकर 15, 16 और 17 सितंबर के आसपास में गंगानगर हनुमानगढ़ के कई इलाकों पर हल्की से लगातार खंड तेज बारिश होने की संभावना है। यानी लगभग 12-13 सितंबर तक का मौसम यहाँ पर गंगानगर हनुमानगढ़ के इलाकों पर ज़्यादातर भागों में शुष्क रहेगा और 20-20 में खंड बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना है। तो ऐसा रहेगा लगभग अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र पर मौसम। जय हिंद, जय राजस्थान।